किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत शुक्रवार को स्थानीय कृषि उपज मंडी में ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र व सम्मान पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। सम्मेलन के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन में किसान कल्याण तथा कृषि विकास उद्यानिकी मंत्री सचिन यादव थे। सम्मेलन की अध्यक्षता क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरलानी की, पूर्व सांसद ताराचंद पटेल, कुलदीप सिंह भाटिया, नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति अनिल राय विशेष अतिथि। इस दौरान क्षेत्र के 10,250 किसानों को 69,15,63,293 रुपए के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अपने उद्बोधन में मंत्री यादव ने कहा कि कांग्रेस की सरकार कथन और वचन की सरकार है, जो जमीनी स्तर पर कार्य कर प्रदेशवासियों की मनसा को पूरा करेगी। हमारी सरकार ने जो भी वादे किए हैं उनको पूरा करेगी। आगे श्री यादव ने कहा कि मेरे पिताजी स्वर्गीय सुभाष यादव का सपना था कि प्रदेश के हर किसान के खेतों में सारी सुविधाएं मिलें। उसी सपने को साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार कृषि ऋण माफी के साथ ही बिजली के बिल को आधा करने के साथ शहरी युवाओं को ट्रेनिंग के जरिए स्वाभिमान जगाने का काम कर रही है। अध्यक्षता विधायक सचिन बिरला ने की। इस दौरान कलेक्टर गोपाल चंद डाड, एसपी सुनील पांडे सहित कांग्रेस के जनपद सदस्य, सरपंच एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। और किन हालातों में मध्य प्रदेश हमको मिला? एक ऐसा मध्य प्रदेश हमको विरासत में मिला जो किसानों की आत्महत्या में नंबर वन, एक ऐसा मध्य प्रदेश हमको विरासत में मिला जो महिलाओं में अत्याचार में नंबर वन, एक ऐसा मध्य प्रदेश हमको विरासत में मिला जो आदिवासी भाइयों और दलितों के ऊपर अत्याचार में नंबर वन, एक ऐसा मध्य प्रदेश हमको विरासत में मिला जहां पर नौजवानों के हाथों में रोजगार नहीं, साथियों काम किया। हमने जो शहरी युवा है उन शहरी युवाओं को 100 दिन का रोजगार मिले, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको भत्ते के रूप में 4,000 रुपए दिए जाए, उस वचन को भी आपने साथियों हमने पूरा किया। और युवा स्वाभिमान योजना हमने हर प्रदेश की हर बड़ी नगर निगम और नगर पंचायतों में और नगर परिषदों में उसको लागू करने का काम आदरणीय साथ हमने वचन दिया था कि हमारे जो नौजवान है उन नौजवानों के लिए रोजगार में जो उद्योग नीति है उस उद्योग नीति में परिवर्तन किया जाए। हमने सरकार बनने के बाद उसमें परिवर्तन किया और अब जो भी उद्योग स्थापित होंगे उसमें 70% हमारे स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, उसका प्रावधान किया था। सरकार का एक और हमारी सरकार जो है ये हमारी सरकार की एक और सोच है कि हम जो है पिछली सरकार की तरह घोषणाओं में विश्वास नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ काम करने में विश्वास करेंगे। और जो बातें हमारे भाई ने रखी है, सचिन बिरला जी ने रखी है, एक एक बात को जो है आदरणीय साथियों पूरा करने का काम जो है हमारी सरकार करने वाली है। 86 रुपए दूसरे नाम सिन्हा सोसाइटी से श्री नथू जी, किशन सिंह चंदेल,